हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। संपूर्ण हिंदी में आज का टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। तीन टॉपिक हो गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप लोग देख ज़रूर लीजिएगा। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया जा रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण आप सभी जानते हैं, उसकी परिभाषा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ संख्या लिखा है तो ये आपका संज्ञा होगा। ठीक है, क्या है? संज्ञा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, दयालु आदि। विशेषण एक विकारी शब्द है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये आपके विकारी शब्द हैं। ओके, विशेषण के भेद देखते हैं। तो विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद हैं विशेषण के? चार भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण के बारे में बात करते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्याओं के बारे में बात की गई है। परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कहीं कहीं पर संकेतवाचक भी देखने को मिलता है और कहीं पर सार्वनामिक विशेषण भी मतलब होती है उसमें। ठीक है, तो ये संख्या नहीं है, संज्ञा है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। ओके, अब हम इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कहल, जिसमें गुण के बारे में बात हो रही हो तो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा आदि का भी बोध होता है। ओके, जैसे उदाहरण देख लीजिए, अच्छा, लाल, पतला, पिछला, गहरा, सुंदर, दक्षिणी, उत्तरी आदि। ठीक है, जैसे कि कह देते ना, अच्छा लड़का, अच्छी पुस्तक। ठीक है, तो इस तरह ये आपके संज्ञा का जो है गुण बता रहा है, गुण के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो पूरा गुणवाचक आप समझ गए होंगे। देखिए, आरोह आरोह में भी आपका जो विशेषण वाला चैप्टर है ये वाला, तो उसमें वो पूछते हैं गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो गुणवाचक विशेषण 7 टाइप्स का होता है। ओके, जिसमें यहाँ पर हमने आप अभी नहीं बताया, यही होते हैं भाग, रंग, दशा वगैरह है, भाव, रंग, दशा, आकार, यही आपके 7 टाइप के होते हैं। बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, किसका बोध हो? संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार लड़के, पाँचवा वर्ग आदि। संख्यावाचक विशेषण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, एक निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों में किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि पूरा 2, 3, 4, 5, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह की जो निश्चित संख्या है उसके बारे में बात हो रही है। ये आपके देखिए कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है इसमें पूर्ण संख्याबोधक, जिसमें पूरी गिनती के बारे में बात हो रही है। जैसे 2, 3, 4, 5, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो वो पूर्ण संख्याबोधक हो गया। ओके, अपूर्ण संख्याबोधक मतलब सवा, डेढ़, ढाई, आधा, चौथाई, ये वाली जो अपूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी अपूर्ण संख्याएं हैं वो अपूर्ण संख्याबोधक में आती हैं। ओके, क्रमवाचक, क्रम कैसा होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्रम की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्रमवाचक जो विशेषण है वो ऐसे ही होता है। ओके, आवृत्तिवाचक, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। आरोह आरोह में भी आवृत्तिवाचक के बारे में कई बार पूछा गया है। जैसे कि 100 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जब गुने की बात हो रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना हो रही है। ठीक है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से कितनी अधिक है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से कितनी कम है। ठीक है, उस अनुपात की तुलना जो हो रही है वो आवृत्तिवाचक में होती है, उसको आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्येक बोधक की। तो प्रत्येक बोधक देखिए क्या होता है, ये अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। जैसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रत्येक व्यक्ति, मतलब जितने भी व्यक्ति खड़े हैं उस हर एक प्रत्येक व्यक्ति को जो खाना है वो मिलना चाहिए, हर एक आदमी को कपड़े पहनने के लिए मिलने चाहिए, एक एक नेता को वोट चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, ये आपका प्रत्येक बोधक में आ गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं समुच्चय बोधक की। जैसे कि दर्जन, जोड़ा, सतसई, शताब्दी। तो समुच्चय मतलब सभी को इकट्ठा कर लेना। अब दर्जन का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, जब 12 गिनतियाँ होती हैं एक साथ उनको दर्जन बोलते हैं। सतसई आपका यूपी पुलिस में आया था। ठीक है, तो सतसई जो है उसको बताइए क्या कहते हैं,
सतसई का मतलब क्या होता है? यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, 700। ठीक है, सतसई का मतलब क्या होता है? 700। इसी तरह शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100। जोड़ा का मतलब क्या हो गया? दो। ठीक है, तो समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जिसमें अंकों का समुच्चय कर दिया जाए, ठीक है, संख्याओं का समुच्चय कर दिया जाए। अब बात करते हैं समूह बोधक या समुदायवाचक की। तो समूहवाचक भी आएगा, समुदायवाचक, दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है। ये संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, पांचों चोर। ठीक है, तो इस तरह जब समुदाय की बात हो रही है, चारों की बात हो रही है, तो यहाँ पर समूह बोधक या समुदायवाचक होगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे निश्चित संख्यावाचक क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है। उसका हर एक टाइप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। ओके, अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की। जिन विशेषण शब्दों में विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, ठीक है, अनिश्चित से शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी, आदि। ठीक है, कुछ सामान ले आओ, मतलब सामान की कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, तो इतना। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो परंतु उन्हें गिना ना जा सके, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर आदि। ठीक है, उसको गिना नहीं जा सकता है और उसकी नाप तौल वस्तु की मात्रा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे 100 लीटर दूध, 1 किलो अमरूद, तो यह निश्चित संख्या की, निश्चित परिमाण की बात हो रही। अब आप ये वाली लाइन देखिए कि जिसको गिना ना जा सके, तो क्या आप दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जिसको आप गिन नहीं सकते हैं वह निश्चित परिमाणवाचक संख्या में है। ओके, अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों में अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे थोड़ा जल, थोड़ी चीनी, ज़्यादा दूध आदि। अब जल, चीनी, दूध वगैरह को आप नहीं गिन सकते, ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या है वो भी थोड़ा, थोड़ी, ज़्यादा, मतलब अनिश्चित है। तो आप परिमाणवाचक समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके बहुत बनते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक से और सार्वनामिक, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं, जैसे कि यह लड़का हमारे स्कूल का है, यह लड़का हमारे स्कूल का है, तो लड़के की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर? यह है पर्टिकुलर, वह पर्टिकुलर किसी एक लड़के की बात हो रही है कि यह लड़का जो है वो हमारे स्कूल का है, वह लड़की हमारी मित्र है, तो पर्टिकुलर किसी एक लड़की की बात हो रही है। यहाँ पे लड़की की विशेषता कौन, लड़की की ओर कौन इंगित कर रहा है? वह कर रहा है, ठीक है। तो इस उदाहरण में जो यह और वह है ये सर्वनाम है जो कि लड़का और लड़की की विशेषता बता रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग हो रहे हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इनको हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषणों के भी जो विशेषण होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सीता अत्यधिक तेज छात्रा है। सीता क्या है? तेज छात्रा है। कैसी तेज है? अत्यधिक, ठीक है। अब छात्रा की विशेषता तो बता रहा है तेज, और तेज की विशेषता क्या बता रहा है? अत्यधिक बता रहा है, यानी कि तेज विशेषण है और उसका भी जो विशेषण है वो क्या है? अत्यधिक है, ठीक है। समझ गए होंगे, हिंदी में कुछ विशेषण हैं उनके भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सीता अत्यधिक तेज छात्रा है, यहाँ तेज जो है विशेषण है और उसका भी विशेषण क्या हो गया? अत्यधिक हो गया। ओके, अब बात करते हैं विशेष्य की। जिस संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा है यहाँ पर, संख्या नहीं है, ठीक है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो इसमें सुंदर तो विशेषण हो गया,
ओके, सीता क्या हो गई? विशेष्य हो गई। भाई सुंदर जो विशेषण है वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? सीता की विशेषता बता रहा है। तो यही तो है कि वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो सीता यहाँ पर क्या हो गई? विशेष्य हो गई। अब विशेषण और विशेष्य में संबंध। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक तो विशेष्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य आप समझ गए ना, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा, राम चंचल लड़का है। तो यहाँ जो चंचल है ये विशेष्य है। क्या है? चंचल जो है ये विशेष्य विशेषण है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ लाल विशेष्य विशेषण है। विशेषण के पहले आ गया, क्या है यहाँ पर? विशेषण के पहले जो विशेषण के पहले आया है, विशेष्य के पहले, सॉरी, विशेष्य के पहले जो विशेषण आता है उसको विशेष्य विशेषण कहते हैं। फिर से अच्छे से समझ लीजिए थोड़ा सा, कि विशेष्य से पहले जो आता है विशेषण उसको विशेष्य विशेषण कहते हैं, और विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले जो विशेषण आता है उसको विधेय विशेषण कहते हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। मेरी गाय सीधी है, तो यहाँ जो सीधी है ये देखिए बाद में आया है, ठीक है, ये आपकी क्रिया हो गई है और ये गाय आपका विशेष्य हो गया। तो गाय और है के बीच में आपका विधेय विशेषण आया, तो सीधी यहाँ पर क्या है? विधेय विशेषण है, क्योंकि ये विशेष्य और के बाद आ रही है और क्रिया से पहले आ रही है, ठीक है। अगर कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा यहाँ पर, ओके। अब बात करते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, तुलनात्मक विशेषण। जिस तरह आप अभी तक आपने विशेषण के कई प्रकार पढ़े हैं उसी तरह तुलनात्मक विशेषण भी है, ये इम्पॉर्टेंट है। दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं, एक तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था मतलब कोई मूल वर्ड आप ले लीजिए, जैसे कि आपका उच्च हो गया, ठीक है, क्या हो गया? उच्च, ठीक है, ये मूल अवस्था है किसी भी शब्द की। उत्तरा, क्योंकि यहाँ पे तरा लगा है तो जो इसका वर्ड बनेगा वो बनेगा उच्चतर। क्या बनेगा? उत्तरावस्था में ये चीज़ बन जाएगी उच्चतर। अब बात करें उत्तमावस्था, तो यहाँ पे तम लगा है तो आपका जो इसकी जो अवस्था बनेगी वो बनेगी उच्चतम, ठीक है। मूलावस्था उच्च है, उत्तरावस्था उच्चतर है और उत्तमावस्था उच्चतम है। इसी तरह प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुतर, लघुतम, ठीक है। इस तरह इन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। तो पूरा विशेषण और विशेष्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया है या कोई चीज़ इसमें छूट गई है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, उसको उसका थोड़ा सा कमेंट में बता दिया करिए, जिससे हमें भी थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको चैनल शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।